कुछ खो गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझाओ ना कान्हा, मुझे बतलाओ ना। है कुछ क्षणों की दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे, तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। राधे क्या किया अनिरुद्ध? किया था, वो फल आपके ऊपर गिर रहे थे तो मैंने अपने बाणों से उनकी दिशा बदल दी। अरे वाह, तुमने तो वायु में ही लक्ष्य साध दिया, बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए हो तुम। हाँ, आचार्य ने मुझे धनुर्विद्या में उत्तीर्ण किया है। श्री राधा, शीघ्र आइए, आप दोनों चलकर देखिए निषाद और उल्मुख क्या कर रहे हैं। हार मान लो, अन्यथा अन्यथा आप ही हारोगे। ये तो मल्लयुद्ध कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आचार्य ने इसलिए इन दोनों को ही आपस में भिड़ा दिया होगा। एक प्रहार से लड़ रहे हैं, कोई हार ही नहीं मान रहा। बच्चे सच में बड़े हो गए। रुक जाओ, बस करो। थोड़ा सा समय और मिलता ना तो हारा देता मैं इसे। वो तो समय ही बताता कि कौन हारता। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं तुम्हें एक प्रहर से देख रहा हूं और सत्य यह है कि शक्ति और सामर्थ्य में तुम दोनों समान हो और तुम दोनों ही उत्तीर्ण हुए हो। कल्याण हो, आयुष्मान भव। अति उत्तम। वैसे गुरुजी, साम कहां पर है? साम, उसका तो कुछ ज्ञात नहीं होता, न जाने कहां लुप्त रहता है सदैव। प्रिय शिष्यों, आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है, 100 वर्षों में एक बार आने वाली अमावस्या है। आज की रात्रि नारायण का महायज्ञ होगा और भोर होते होते यज्ञ पूर्ण होते ही नारायण की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी। पर कल की भोर कितनी ही प्रकाशमान क्यों ना हो, आज की रात्रि बहुत ही भयावह और काली होगी। आज की रात्रि असुरी शक्ति आएंगे इस विशाल पूजा में विघ्न डालने। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें यह निश्चित करना होगा किसी भी प्रकार इस महायज्ञ में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आज पहली बार मैं तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहा हूं, ऐसी शक्तियां जो इन मायावी शक्तियों का सामना कर सकती है। अभी आ नहीं है। इतना बड़ा अवसर था विशेष शक्तियां पाने का, पता नहीं कहां पर है वो। गुरुजी, आज भी साम का नाम सुनकर आप विचलित हो जाते हैं। इतने वर्ष बीत गए किंतु आज भी
अब सांप पर विश्वास नहीं रख पाए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो विश्वास के योग्य है ही नहीं। राधा, वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। शिवर, आप विश्वास तो कीजिए मेरा, मैं स्वयं आपको वचन देती हूँ, सांप कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। मैं इस आश्रम की महत्ता कभी भ्रष्ट नहीं होने दूंगी और ना ही कृष्ण का नाम भ्रष्ट होने दूंगी। हम आशा करते हैं कि सांप तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरे। द्वारका, कृष्ण आप जैसा चाहते हैं सांप वैसा ही होगा। महान पावन शक्तियों से युक्त मैं स्वयं उससे बात करूंगी। आज रात्रि ही वो महायज्ञ में यज्ञ सामग्री की आहुति देगा। प्रकट हो महामाया की शक्तियां, आज मुझे संपूर्ण शक्तियां चाहिए। इसी रात की तो प्रतीक्षा थी मुझे सदा से, ये काली रात सांदीपनी के अहंकार को चूर कर देगी और मुझे मेरी मां के पास वापस लौटा देगी। असुर शक्तियां जागृत हो गई है, ये कभी भी किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। राधा, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञ आरंभ करना होगा। तुम कह तो रही हो राधा, पर हमें तनिक भी विश्वास नहीं है कि सांब इस यज्ञ में हमारे साथ होगा। नहीं गुरुजी, मैं खोजूंगी उसे, मैं अवश्य लेके आती हूँ उसे यज्ञ में। आगे दे। अनिरुद्ध, उल्मुक, निषाद, शीघ्र अतिशीघ्र आओ। जी आचार्य, क्या आदेश है आचार्य? मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें इस आश्रम और इस यज्ञ की रक्षा करनी होगी। असुर शक्तियों का आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। स्मरण रहे, ये यज्ञ पूर्ण होना अति आवश्यक है। यदि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है मेरे बच्चों। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुदेव। मैं अनुभव कर पा रहा हूं आचार्य कि आपने यज्ञ आरंभ कर दिया है, पर ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। नहीं होगा। शाम काका अभी भी आ नहीं है। ना ये सब हो क्या रहा है? क्या द्वारका पर कोई संकट आने वाला है? समस्त संसार पर संकट आ रहा है। समस्त महामारी शक्तियां एकत्र हो, आज हमारी रात्रि है। सांदीपनिया नारायण की नहीं, आज हमारी शक्तियां तीन गुना होंगी। अपनी शक्तियां प्रकट कीजिए माता, प्रकट कीजिए।